लखनऊ में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत। रोहिणी अपार्टमेंट में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, व्यापारी की गाड़ी पर धनाधन फायरिंग, मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद। आज से शिवपाल निकालेंगे सामाजिक परिवर्तन यात्रा, मथुरा के वृंदावन से शुरू करेंगे रथ यात्रा, मथुरा से औरैया तक निकलेगी सामाजिक परिवर्तन यात्रा। आज लखनऊ में जनता दरबार लगाएंगे मुख्यमंत्री, अब से थोड़ी देर में करेंगे टीम 9 के साथ बैठक। गोरखपुर और कुशीनगर दौरे पर भी जाने की खबर। बिजली की कमी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में रात को लगातार बिजली आपूर्ति जारी रखने के दिया आदेश। बोले, बिजली संयंत्रों को कोयला सप्लाई के लिए उठाए जाएं जरूरी कदम। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी बैठक। कांग्रेस में वापसी पर यशपाल आर्य का सम्मान, हरीश रावत की पत्नी ने तिलक लगाकर किया घर में स्वागत। हरदा के घर पर कांग्रेस नेताओं के बीच हुआ मंथन। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी आज से संभालेंगी ओएसडी का कार्यभार। मीनाक्षी को नियुक्ति पत्र दे चुकी है केडीए की टीम, कागजी प्रक्रिया हो चुकी है पूरी। जम्मू पुलिस ने रामपुर से संदिग्ध को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी हैंडलर के साथ करीबी संबंध के शक में गिरफ्तारी। यूपी में धार्मिक स्थलों का वीडियो पाकिस्तान भेजने का भी शक। पुंछ में हुए आतंकी हमले में यूपी का लाल शहीद, शाहजहांपुर के लाल सरज सिंह मुठभेड़ में शहीद, 2 दिन बाद पैतृक गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर। बड़कोट में एक घर में सिलेंडर फटने से मकान पूरी तरह से जलकर राख, हादसा उस वक्त हुआ जब घर में खाना बन रहा था।